दोपहर का समय था, 12 बज रहे थे। अमरेश कुमार की सास रोशनी अमरेश कुमार के पास फोन लगाकर कहने लगी, क्या हाल चाल है दामाद जी? बेटी हमारी ठीक तो है? तभी उसका दामाद अमरेश कुमार कहने लगा, क्या बताएं सासू जी, बेटी तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है, इसलिए अब घर का सारा काम काज मुझे ही करना पड़ता है। खाना बनाने से लेकर चौका बर्तन तक सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अब तुम ही बताओ सासू जी, अगर सारा सारा दिन घर में ही व्यस्त रहूंगा तो दो पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए अब मैं बेहद परेशान हो चुका हूँ। ऐसा करो, ना हो तो कुछ दिनों के लिए आप ही हमारे घर चले आओ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पत्नी के अलावा आपके पास कोई बेटी भी नहीं है कि उसे ही ले आऊं। जवान दामाद के मुंह से ऐसा शब्द सुनते ही उसकी सास रोशनी बेहद परेशान हो गई और बोली, चिंता मत करो दामाद जी, छोटी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम इसके लिए जरा सा भी चिंता मत करो। अब जैसे ही अमरेश कुमार अपनी सास रोशनी के मुंह से इस तरह की बातों को सुना तो वे अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया और बोला, ठीक है सासू जी, अब मैं फोन को रख रहा हूँ, तुम जल्दी से पहन ओढ़ कर हमारे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अमरेश कुमार तुरंत अपने फोन को कट कर दिया। उधर अमरेश कुमार की सास रोशनी जैसे ही अपने दामाद अमरेश कुमार से बातें करके शांत हुई तो वैसे ही अपने पति राजीव से परमिशन लेकर अपनी बेटी की देखभाल के लिए उसके घर पहुंच गई। अब जैसे ही अमरेश कुमार की सास रोशनी अमरेश कुमार के घर पहुंची तो वह वैसे ही घर का सारा कामकाज करने लगी, मगर इस बीच जब रहते हुए उसे कुछ दिन बीत गए तो उसकी जवानी उफान मारने लगी 61-62 गेम खेलने के लिए, जिसके चलते वह बेहद परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं, क्योंकि पति तो हमारे घर पर हैं। ऐसी बातों को वह बार बार अपने मन के अंदर सोच ही रही थी तभी उसका दामाद अमरेश कुमार उसके पास पहुंच गया और अपनी सास रोशनी के चेहरे पर उदासी देखकर वह बोला, क्या बात है सासू जी, आज आप बहुत परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। तभी उसकी सास रोशनी बोली, तुम चिंता मत करो दामाद जी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही घर की याद सताने लगी थी इसलिए मैं थोड़ी निराश हो गई थी। जिसके बाद उसका दामाद अमरेश कुमार कहने लगा, ठीक है सासू जी, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, मार्केट में थोड़ा काम है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फोन पर बता देना, मैं जल्दी से वापस घर चलाऊंगा। ऐसा कहकर अमरेश कुमार तुरंत अपना बाइक निकाला और उस पर सवार होकर तुरंत मार्केट चला गया। अब जैसे जैसे एक दिन बीतता गया तो वैसे वैसे अमरेश कुमार की सास 61-62 गेम खेलने के लिए बेचैन होती गई। एक रात की बात है जब अमरेश कुमार अपने कमरे में लेटा हुआ था और रात 12 बज रहे थे तभी उसे अपनी सास रोशनी के रूम से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनकर दामाद अमरेश कुमार तुरंत आश्चर्य में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इतनी रात को हमारी सास को हो क्या गया है जो उनके रूम से इस तरह की आवाजें लगातार आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा भ्रम है। ऐसा सोचकर वह तुरंत दबे पांव अपनी सास रोशनी के रूम में पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब जैसे ही अमरेश कुमार अपनी सास के कमरे में पहुंचा और अंदर का नजारा कुछ देर तक देखा तो उसकी आँखें खुली रह गई। वह देखा कि हमारी सास रोशनी अपने ही हाथों का इस्तेमाल करके खुद को संतुष्ट कर रही है। ऐसा नजारा देखकर दामाद अमरेश कुमार सिराहा नहीं गया और वह तुरंत होशियारी दिखाते हुए जिस रूम में उसकी सास रोशनी लेटी हुई थी उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दामाद अमरेश कुमार जवान था और वह जवान के साथ साथ 8 महीनों का जिस्म का प्यासा था, क्योंकि उसकी पत्नी पिछले 8 महीनों से उसके साथ 61-62 गेम नहीं खेली थी। जैसे ही वो अपनी सास रोशनी को उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखा तो वे खुद पर काबू नहीं रख पाया और जवान खूबसूरत सास रोशनी को बंद कमरे में अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगा। अमरेश कुमार की सास रोशनी तो पहले से ही 61-62 गेम खेलने के लिए बेकाबू थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप जवान दामाद अमरेश कुमार का साथ देने लगी। अब जैसे ही दामाद अमरेश कुमार अपनी सास रोशनी का साथ पाया तो वैसे ही वह बेहद
खुश हो गया और खुश होकर तुरंत अपनी सास रोशनी को उसके बिस्तर पर लिटाकर 61-62 गेम खेलने लगा और बिना रुके बिना थके सारी रात 61-62 गेम खेलता रहा। जब सुबह हुआ तो सास और दामाद दोनों एक दूसरे के गठीले बदन और मजबूत शरीर के दीवाने हो गए, जिसके बाद अब आए दिन रात के अंधेरे में दोनों सुनहरा मौका देखकर एक दूसरे के साथ 61-62 गेम खेलने लगे। इस दौरान रोशनी भी अपने दामाद अमरेश कुमार के गठीले बदन और मजबूत शरीर की दीवानी हो चुकी थी और वही उसका दामाद अमरेश कुमार भी अपनी सास रोशनी के गठीले बदन और मजबूत शरीर का दीवाना हो चुका था, जिसके चलते अब सास और दामाद आए दिन अपने रिश्तों की परवाह किए बिना ही एक दूसरे के साथ 61-62 करने में लगे हुए थे। उधर अमरेश कुमार की सास रोशनी भी अपनी बेटी की परवाह न करते हुए उसकी चोरी छिपे दामाद अमरेश कुमार का साथ देने में लगी हुई थी। एक रात की बात है जब अमरेश कुमार अपनी पत्नी के चोरी छुपे उसकी माँ यानी अपनी सास के साथ 61-62 गेम खेल रहा था, तभी अचानक इसी बीच उसकी पत्नी को लघुशंका लग गई और वह जैसे ही अपने बिस्तर से उठकर बाहर द्वार पर बने बाथरूम में जाने लगी तो देखी हमारा पति अमरेश कुमार अपने बिस्तर से गायब है। पति अमरेश कुमार को बिस्तर से गायब देख उसकी पत्नी तुरंत आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी आखिर इतनी रात को हमारे पति जी गए तो कहाँ गए होंगे, क्योंकि रात भी काफी हो गया है और वे अपने बिस्तर से गायब है। इस तरह की बातों को अमरेश कुमार की पत्नी अपने मन के अंदर विचार कर ही रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चलकर एक बार अपनी माँ रोशनी से पूछ लूँ, हो सकता है कि वह उन्हें बता कर गए हो, क्योंकि मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे जगाना सही न समझा हो। ऐसी बातों को सोचकर अमरेश कुमार की पत्नी तुरंत दबे पांव अपनी माँ रोशनी के रूम के पास पहुँच गयी तो देखी माँ के कमरे का दरवाजा बंद है और बंद कमरे के अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं, जिसके बाद वे अपनी माँ को आवाज लगाने लगी। लेकिन इस बीच दोनों एक दूसरे के साथ 61-62 गेम खेलने में इतनी बिजी थे कि दोनों ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अमरेश कुमार की पत्नी बेहद परेशान हो गई और परेशान होकर फिर से सोचने लगी अब मैं क्या करूं, हमारी माँ भी तो रूम नहीं खोल रही है, ऐसा करती हूं चलकर अपने बिस्तर पर लेकर सो जाती हूँ, सुबह होगा तो फिर पूछ लूँगी उनसे कि तुम कहाँ गए थे। लेकिन फिर बाद में वे सोची कि एक दो बार और आवाज़ लगाकर अपनी माँ को देख लेती हूँ, हो सकता है कि वे की बार जाग जाए। ऐसा सोचकर अमरेश कुमार की पत्नी दोबारा से अपनी माँ रोशनी को आवाज़ लगाने लगी। अब जैसे ही रोशनी की बेटी रोशनी को कड़क आवाज में बुलाई और उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया तो वे अपनी बेटी की आवाज़ों को सुन ली, जिसके बाद सास और दामाद दोनों डर गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ आराम से मजे ले लेकर 61-62 गेम खेल रहे थे। जब सास और दामाद दोनों डर गए तो उन्होंने रूम का दरवाजा नहीं खोला बल्कि उसके वापस बिस्तर पर जाने का इंतजार करने लगे। लेकिन इस बीच अमरेश कुमार की पत्नी को भी अमरेश कुमार और अपनी माँ रोशनी के ऊपर कुछ शक हो गया था, क्योंकि वे दोनों की आवाज़ों को थोड़ी बहुत सुन ली थी, इसलिए वे होशियारी दिखाते हुए चुपचाप रूम के दरवाजे के बगल में आकर बैठ गई और अपने पति अमरेश कुमार को अपनी माँ के रूम से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही वे चुपचाप दरवाजे के पास में आकर बैठी तो वैसे ही अमरेश कुमार की सास रोशनी समझ गई कि लगता है अब हमारी बेटी यहाँ से चली गई है, क्यों ना जल्दी से अपने दामाद अमरेश कुमार को अपने कमरे से बाहर निकाल दूं, नहीं तो कहीं हमारी बेटी ने मुझे दामाद के साथ देख लिया तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी। ऐसा सोच कर रोशनी जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खुला तो वैसे ही उसकी बेटी उसके रूम के अंदर प्रवेश कर गई और दोनों को जोर जोर से डांटने लगी और डांटते हुए अपनी माँ रोशनी को बोली तुम इसलिए हमारे घर आई थी कि चलकर अपनी बेटी के पति के साथ 61-62 गेम खेलूंगी, तुम्हारे इस हरकत पर तो मुझे शर्माती है। कुछ देर डांट फटकार लगाने के बाद जब अमरेश कुमार की पत्नी का गुस्सा शांत हुआ तो वहां से वापस अपने रूम में चली आई और लेटकर सो गई। जब सुबह हुआ तो अमरेश कुमार की पत्नी अपनी तबीयत ठीक होने का बहाना बनाकर पिता को फोन करके घर बुला लिया और अपनी माँ रोशनी को अपने पिताजी के साथ वापस घर भेज दिया। तो दोस्तों आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। अपने परिवार